घर वापसी क्यों हुई है। हम और पार्टियों में भी जा सकते थे, लेकिन हमारी पार्टियाँ जो मान सम्मान की बात हो बहुजन पार्टी ही दे सकती है, क्योंकि ये पार्टी ही बहुजनों की है। बसपा में आने के बाद हमारे दिल में जो परिवर्तन हो रहा है ना, और जो अच्छा लग रहा है ना कि हमें वो मान सम्मान मिला है जो हमें सदियों से कभी किसी भी पार्टी या किसी भी सामाजिक संगठन ने नहीं दिया है। मैं इनके कदम से कदम मिला के चलता हूँ, चलता रहूँगा। जब एक गरीब का बेटा बड़े स्तर पे पहुँचता है तो उस खुशी की लहर तो सब समाज के अंदर तो होती ही होती है। तो ऐसा नहीं कि मेरे समाज के लोगों का हृदय परिवर्तन नहीं होगा, और एक झलक गरीब के बच्चे को भी देखेंगे मुड़कर। नमस्कार, आप देख रहे हैं समता संदेश टीवी और समीक्षा संवाद। इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली में बसपा कार्यालय में, जहां पर आज हमारे साथ मौजूद हैं उमेश पिपरिया साहब, जो कि समता विकास पार्टी में थे पहले, और इन्होंने 26 जनवरी को बहुजन समाज पार्टी में अपनी पार्टी का विलय किया, आप सभी जानते हैं। और आज इनको जो है दिल्ली में सचिव का पद मिला जिस तरीके से, तो आप बताना चाहेंगे कि सचिव पद मिलने के बाद पहले आपको महसूस कैसा हो रहा बहुजन समाज पार्टी? मुझे सबसे पहले तो मैं सबको धन्यवाद, मेरा सभी लोगों को, मेरे अपने समाज के लोगों को, कि मुझे बहुत अच्छा लगा। और मुझे बहुत अच्छा लगा है समाज, मुझे आज पद मिला है, गर्व महसूस हुआ। मेरे समाज के लोग भी साथ में आए हुए हैं, इन लोगों का भी एक हृदय में बड़ा खुशी लहर आई कि 70 सालों के बाद, देश आज़ाद होने के बाद, आज जो हमें खुशी की लहर मिली बड़ी, उसमें आप बयान नहीं कर सकते जो दिल में है। बाकी तो और मैं आगे ये कहना चाहूँगा, आदरणीय CP सिंह साहब, केंद्रीय प्रभारी दिल्ली प्रदेश, सम्मानीय सुदेश कुमार जी केंद्रीय प्रभारी दिल्ली, सम्मानीय लक्ष्मण सिंह जी दिल्ली परिषद अध्यक्ष, मैं सभी साथियों के गण अपने जो भी हमको जिम्मेदारी दी है, हम उनको पूरी जिम्मेदारी से निभाने की कोशिश करूंगा। हम दिल्ली में अपने समाज बशोर वंशकार बरार को ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ने का प्रयास करूंगा, और समय आने पर मान्य बहन जी मायावती जी को देश का प्रधानमंत्री बनने के लिए कार्य करेंगे। हमारे समाज को राष्ट्रीय, हमारे समाज के जो राष्ट्रीय नेता है डॉक्टर CL वंशकार जी, समता विकास पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष के आदेश अनुसार जो भी हमें जिम्मेदारी या आदेश वो मिलेगा, हम लोग कार्य करेंगे पूरी ईमानदारी निष्ठा से। दिल्ली में आपको जो है बड़ी जिम्मेदारी मिली है बहुजन समाज पार्टी से, तो आप किस तरीके से जो है जो भी आपका समाज है बसोर वंशकार, जितना आपका समाज जो समता विकास पार्टी में था या और जो अलग अलग पार्टियों में, उसको आप बसपा में लाने के लिए क्या क्या प्रयास करेंगे? देखो, क्या कदम आपके यहाँ? मैं कोशिश तो हमारी शुरू से समाज को जोड़ने की रही है, और मैं एक बहुत दबे कुचले स्तर से आता हूं, और मैंने समाज में बहुत कुछ देखा है। तो ऐसा नहीं कि मेरे समाज के लोग मेरी बातें ना माने, और जहां मेरे समाज को मान सम्मान मिलेगा तो मुझे देख के जरूर मेरे समाज के लोग भी, उनका भी हृदय परिवर्तन होगा, वो पार्टी में आप वापसी कर सकते हैं। तो दिल्ली में आप पूरी तरीके से आप जो है BSP को जो है एक नंबर वन पार्टी बनाने के प्रयास? देखो, हमारी घर वापसी क्यों हुई है, हम और पार्टियों में भी जा सकते थे, लेकिन हमारी पार्टियाँ जो मान सम्मान की बात हो बहुजन पार्टी ही दे सकती हैं, क्योंकि ये पार्टी ही बहुजनों की है। क्योंकि जिस पद पे आज हमें दिया है, कोई हमें दूसरी पार्टी थोड़ा पद दे देती है, कि जो हमारी स्थिति हम लोगों को कोई पूछने वाला तो है नहीं है। आज जो मान सम्मान दिया बहुजन पार्टी ने दिया है, उसका वो आभार व्यक्त कर। आपने तो घर वापसी कर ली, लेकिन जिस तरीके से दिल्ली हो या पूरे भारत में अलग अलग कोने में अलग अलग तमाम पार्टियां बना रखी हैं समाज के लोगों ने, तो उनको कैसे घर वापसी कराएंगे आप लोग? समाज को तो जोड़ सकते हैं एक बार, पर पार्टियों को कैसे जोड़ने काम करेंगे? हाँ, बहुत अच्छा कहा आपने एक बात। मैं ये कहना चाहूंगा कि जिन लोगों ने पार्टियां बनाई उनके विषय में कुछ नहीं करें, जब हम काम करेंगे ना, और जब हम काम करेंगे तो उनकी भी घर वापसी होगी। मेरा मानना, जब हम काम करके दिखाएंगे ना हम, तो वो अब हमारे जरूर वापसी होगी। कोशिश जारी रहेगी हमारी, काम जारी रहेगी, मतलब पूरी तरीके से। अब जो है बड़ी जिम्मेदारी भी आपको दिल्ली के अंदर मिल चुकी है, बिल्कुल। इससे पहले मध्य प्रदेश में भी चुनाव वगैरह है, तो वहाँ पर किस तरीके से आपका जो है पार्टी का काम चल रहा है? जो आपके जो चैनल के माध्यम से ये संदेश सबकी ओर जाएगा, मेरे समाज की ओर, बसोर वंशकार बरार के पास, तो जब एक गरीब का बेटा बड़े स्तर पे पहुंचता है तो उस खुशी की लहर तो सब समाज के अंदर तो होती ही होती है। तो ऐसा नहीं कि मेरे समाज के लोगों का हृदय परिवर्तन नहीं होगा, और एक झलक गरीब के बच्चे को भी देखेंगे मुड़कर, या किसी गरीब का लड़का ऊपर पहुंचा है तो वो
जरूर मेरा साथ देंगे। उम्मीद है आपको कैसा लग रहा है आपके समाज के एक इंसान को जो है बसपा के अंदर इतना बड़ा पद मिल गया है? जी बहुत अच्छा लग रहा है, हमारे भाई हैं और पहले मैं भी विभिन्न पदों पे रहा हूँ, इस समय मैं जिला प्रभारी हूँ। भगवान दास बौद्ध से मुझे जानते हैं प्रदेश में भी और पूरे जिले में, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरे भाई से पहले से थोड़ी ऐसी परिचित थी, अब और अच्छी परिचित हो गई है और हम भाई के साथ लग करके और हम अपनी समाज को जगाने का काम करेंगे। जो ये समाज है, जो हमारी इस सदियों से दबली कुचली समाज है, इनको मतलब एक धार्मिक व्यवस्था के तहत बड़ा कमज़ोर किया गया था, मतलब इनका मान सम्मान सब मतलब नीचे गिराया गया था। तो बसपा में आने के बाद हमारे दिल में जो परिवर्तन हो रहा है ना, वो जो अच्छा लग रहा है ना कि हमें वो मान सम्मान मिला है जो हमें सदियों से कभी किसी भी पार्टी या किसी भी सामाजिक संगठन ने नहीं दिया है। तो आज जो हमारे भाई हैं मतलब उमेश कुमार पेपरिया जी, तो आज जो दिल्ली प्रदेश में जो सचिव हुए हैं, तो ये हमारे लिए बड़ी गर्व की बात है, क्योंकि हमारे जो भाई हैं अभी तक हमें किसी भी पार्टी ने हमें इस उच्च पद पे नहीं रखा है और हमें बिल्कुल नीचे ही मतलब नज़रियों से देखा गया है। तो हमारी जो बहुजन समाज पार्टी है, माननीय आदरणीय जो बहन जी हैं, वो बहन जी सर्व समाज को लेकर के चल रही हैं और बहन जी जो दबली कुचली समाज का जो हक अधिकार की लड़ाई जो लड़ रही हैं, तो आदरणीय बहन जी के हम बड़े शुक्रगुजार हैं और हमें जो है इस पद पर पहुँचाया है। क्या नाम है? मेरा नाम निर्देश। कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ। जी तो काम किस तरीके से करेंगे आप भाई के साथ खड़े हो गए जमीन स्तर? मैं इनके कदम से कदम मिला के चलता हूँ, चलता रहूँगा। अच्छा, पहले से चल रहे हैं? जी हाँ जी। आगे भी चलेंगे। बसपा में जोड़ने का काम करेंगे हम लोगों का? बसपा में जोड़ने का काम करेंगे, बसपा के लिए तो तन मन धन सब कुछ अर्पित है। जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल का। और हमारे पिपरैया जी आज दिल्ली प्रदेश बीएसपी के सचिव बने हैं, तो हमें बड़ा अच्छा लग रहा है, गर्व की बात है। हमारी समाज के भाई बने हैं और इनके साथ मिलके हमने बहुत संघर्ष किया है, हमने वो पढ़ाव भी ज़िंदगी के देखे हैं जो कभी ऐसे लगता था कि हो सकता है कभी हमें इतनी बड़ी मतलब पद पे नहीं रखा जाएगा, लेकिन आज हमने जो है देखा है कि बीएसपी एक ऐसी पार्टी है जो हमारे जैसे दबे कुचले लोगों से निकल के कोई बंदा आया और इतने बड़े पद पे हमारे भाई को नियुक्त किया। इसके लिए हम बीएसपी का भी धन्यवाद करते हैं और जो है अपने भाई को सचिव बन गए तो उसका गर्व महसूस करते हैं और करते रहेंगे सर, ऐसी कोई बात नहीं है। धन्यवाद। देखा आप लोगों ने, ये सब थे जो हैं समता विकास पार्टी से, जिन्होंने अपनी एक अलग पार्टी बनाई थी, एक अलग पहचान बनाई थी, लेकिन अब जो है ये घर वापसी कर चुके हैं अपनी और बहुजन समाज पार्टी में एक बार फिर से ये जो है शामिल हो चुके हैं। जिस तरीके से पहले थे, अब दोबारा घर वापसी हो चुकी है लोगों की। अब लोकसभा चुनाव जो है नज़दीक हैं और अलग अलग राज्यों में जो चुनाव आ रहे हैं, तो इन लोगों की जो है लगातार यही प्रयास है कि बहुजन समाज पार्टी को दोबारा से उसी अंदाज में जो है, जिस तरीके से बहन कुमारी मायावती उत्तर प्रदेश में 4 बार मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, तो उसी अंदाज में अब फिर से बहन जी को जो है प्रधानमंत्री बनाने का काम किया जाए।